अभी जनवरी का महीना चल रहा है। है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगभग पिछले 8-10 दिन से, जब से बरसात हुई थी तब से लेकर आज तक, ये काफ़ी ठंडा मौसम बना हुआ है। और इस ठंड में जो सब्जियां हैं उनको उगा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन अभी भी कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो हम आसानी से अपने इस जनवरी के मंथ में उगा सकते हैं और उनको हम 20 से 25 दिन के बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज हम बात करेंगे कि जनवरी के माह में कौन कौन सी सब्जियां हम उगा सकते हैं और उनको मार्च अप्रैल तक हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हमने जो अपनी वेजिटेबल्स सितंबर अक्टूबर में ग्रो की थी उनको लगभग लगभग हमने हार्वेस्ट कर लिया है और कुछ अभी बची हुई हैं, कुछ हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। तो अब जब ये हार्वेस्ट करने के बाद दूसरा जो लॉट हमने लेना है तो उसके लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी कि उसको किस तरह से हमने कौन कौन सी सब्जियों को लगाना है। तो उन्हीं सब्जियों की हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी सब्जी हम लगाएं अभी। तो जैसे हमने अभी हार्वेस्ट किया है पालक, 3-4 बार अब हम कर चुके हैं, तो अब क्या है उसकी ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो हो गई है। तो इसके लिए आप पालक को भी ग्रो कर सकते हैं इस महीने में और ये 25 से 30 दिन के बाद आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा आसानी से। पालक के साथ साथ में आप बीन्स जो हैं वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। बीन्स भी एक 30 से 35 दिन में आप इन पे फ्लावर आ जाता है और ये फिर हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग अप्रैल तक ये चलेंगी। तो बीन्स के बाद हम जो बात करेंगे वो है हरा धनिया, ये भी आप ग्रो कर सकते हैं अभी। और हरा धनिया भी आप आसानी से फिलहाल ये लग जाएगा और ये आपको मार्च अप्रैल तक पूरे चलता रहेगा। इसके बाद जो हमारे पास अब मूली जो लगी हुई है वो नीचे हमारा जो गार्डन है केवल उसी में बची हुई है, बाकी हमने सारी मूली हार्वेस्ट कर ली है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप शलजम भी उगा सकते हैं। शलजम भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है, 30 से 40 दिन में शलजम भी आप हार्वेस्ट करने लायक हो जाती हैं, तो आप हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो उन सब्जियों की बात कर रहा हूँ जो मार्च अप्रैल तक आप हार्वेस्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर जो हमारी गर्मियों की सब्जी आ जाएंगी तो फिर हम उनमें उनकी तैयारी जो है वो फरवरी में शुरू में करनी पड़ेगी हमें। तो उस गर्मियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, गर्मियों की सब्जी की जो तैयारी है वो हम करेंगे फरवरी के फर्स्ट वीक में। लेकिन अभी मैं उन वेजिटेबल्स को बता रहा हूँ जो 30 से 35-40 के दिन के बीच में आप आसानी से ग्रो करके हार्वेस्ट करने लायक हो जाती हैं। और इसमें एक और होता है, चना भी आप उगा सकते हैं। चना भी आसानी से 15 से 20 दिन में ही, ये अगर आप इसको भिगो करके चने को लगाओगे तो ये 15 से 20 दिन में ही अंकुरित हो जाता है और अगले 10-15 दिन में हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है। तो ये एक चना भी आप उगा सकते हैं। तो हमने बात कर ली पालक की, चने की और मूली की, शलजम की। इसके अलावा आप टमाटर अभी लगा सकते हैं, टमाटर की पौध आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो मेरे यहाँ तो मिल जाती है मुझे आसानी से। तो टमाटर भी अब लगा सकते हैं आप और वो 1-1.5 महीने 45 दिन के बाद उसमें हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो टमाटर भी आप लगा सकते हैं। दूसरा मिर्च के पौधे आप लगा सकते हैं अभी, मिर्च के पौधे भी आपको अगर कहीं से पौध मिल जाती है तो वो भी 45-50 दिन में उस पर मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। मेथी आप उगा सकते हैं, मेथी भी ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, मेथी भी आसानी से उग जाती है और मेथी काफ़ी पौष्टिक भी रहती है, तो मेथी एक अच्छा ऑप्शन है इस समय जनवरी में ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से 5-7 प्रकार की सब्जी आप अगर ये उगा लेंगे अभी तो ये आपको मार्च अप्रैल तक ये पूरी आपके गार्डन में रहेंगी और आप अपने किचन में इनका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारी जो गर्मियों की सब्जियां हैं वो फिर दोबारा आ जाएंगी, तो फिर हमारा जो गैप है वो नहीं रहेगा, हमारे गार्डन में सब्जियों की कमी नहीं रहेगी। तो यही सारी जानकारी थी इस वीडियो में आज की। बाकी एक चीज़ और है, चुलाई भी आप उगा सकते हैं, इजी टू ग्रो है और बहुत ही आसानी से उग जाती है चुलाई भी।
चुलाई में भी दो तरह की चुलाई आती हैं, एक होती है लाल वाली और एक होती है हरे वाली। दोनों ही काफ़ी पौष्टिक रहती हैं और इनकी जो सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। बाकी आप राई भी उगा सकते हैं, जैसे सरसों का साग होता है वैसे ही राई का भी साग बनाया जाता है, और राई कुछ कुछ सरसों जैसी होती है, तो ये भी 20 से 25 दिन में आसानी से उग जाती है। तो आप राई भी अगर उगाना चाहें तो वो उगा सकते हैं। बाकी मिर्च और ये वगैरह सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी हैं, तो इस महीने ये सारी चीज़ें आप अभी अगले इसी वीक में अगर लगाएंगे तो ये आपको जनवरी का आधा चला गया, जनवरी के बाद फरवरी छोड़ के मार्च से आप इनकी हार्वेस्टिंग शुरू कर लेंगे और पूरा मार्च भर रहेगा और चाहे तो 15 अप्रैल तक भी चल जाएंगी। तो ये सारी जो सब्जियां हैं अभी आप लगा सकते हैं, इनका मौसम है। और उसके बाद फिर हम आपको अगली वीडियो में जो बताएंगे कि जो गर्मियों की सब्जियां हैं हमारी वो कौन कौन सी हैं और गर्मियों की सब्जियों को कब हमने तैयारी करनी है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग अभी उनकी तैयारी करने में जुट गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, अभी उनका उगाने का मौसम नहीं है, क्योंकि जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं उनके जो बीज होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उनको जर्मिनेट होने में ये फ़िलहाल टेम्परेचर जो है उतना नहीं है, क्योंकि 15 से 20 डिग्री का टेम्परेचर उनको चाहिए है। और अभी जो टेम्परेचर चल रहा है हमारा 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और अभी जो चल रहा है वो 10 से नीचे का टेम्परेचर अभी है, काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो ये अगले 15 दिन जो ठंड रहेगी इसमें तो ये पॉसिबल है नहीं हमारे लिए अभी इस गर्मियों की सब्जियों के बारे में सोचना, तो हम इसके बारे में बात आपसे फरवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे। तो वीडियो के लिए इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।